मुकाबला खास तौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होना है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है, लोगों की मूड को जानने की कोशिश भी की जा रही है। सभी दावों, वादों, उम्मीदों की परख लेने के लिए हमारी टीम रेवाड़ी विधानसभा के गांव कस्बों में पहुंची, लोगों का मूड जानने की कोशिश की। आखिरकार हरियाणा के इस विधानसभा रूपी रणभूमि में इस बार क्या होगा? जनता किसे पसंद कर रही है? कौन होगा जनता का मसीहा? कौन होगा रेवाड़ी का विधायक? इन तमाम सवालों को जानने के लिए चुनावी समर लगाकर हम जनता के बीच जाकर जनता किसके साथ है जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी से लक्ष्मण सिंह तो कांग्रेस से राव चिरंजीवी तो वहीं आम आदमी पार्टी से सतीश यादव, इसके साथ ही निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों से भी उम्मीदवार मैदान में है। सबने अपनी अपनी जीत के दावे को जनता के बीच पेश किया है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। मुकाबला खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होना है। जिन क्षेत्रों, गांवों में हमारी टीम ने आम लोगों से चर्चा की तो ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता में कुछ लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। लोगों में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के उम्मीदवारों की बात की तो कुछ लोगों ने बदलाव की भी बात बताई है। अगर लोकप्रियता के लिहाज से देखा जाए तो रेवाड़ी में सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का बोलबाला है, वही आप और इनेलो को कोई खास तवज्जो रेवाड़ी की जनता नहीं दे रही है। जनता को 2024 के विधानसभा चुनाव में नए व्यक्ति को देखना चाहती है। वही आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों का विचार भी कुछ सकारात्मकता की ओर है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर ज्यादा जनसंपर्क की आवश्यकता है। अच्छी मेहनत से परिणाम में सुधार किया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता रेवाड़ी की जनता के बीच गए, लोगों ने नेताओं के बारे में टोह लिया, क्या कुछ कहना है लोगों का, चलिए आपको सुनवाते हैं और सीधे हरियाणा चुनाव के बिगुल जो बजा हुआ है उसकी रणभूमि पर लेकर चलते हैं। वक्त मौजूद है गांव हांसाका में और हांसाका विधानसभा रेवाड़ी का गांव है। इस गांव के बड़े बुजुर्ग स्थानीय निवासी यहां पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है रेवाड़ी विधानसभा का, हांसाका गांव की जनता क्या कुछ चाहती है और इस बार क्या बदलाव होगा या वही चेहरे दोहराए जाएंगे। आइए बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो ठीक चल रहा है। कौन सा और किसके पक्ष में टक्कर है? तीनों की, तीन की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों टक्कर हैं। त्रिकोणी मुकाबला, त्रिकोणी कैसे लगता है कि, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। पता नहीं जी, भी जनता का है बात तो हम तो क्या बताएं। सतीश यादव भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे हैं। तो क्या लगता है कि विकास कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा से सटे दो राज्य पंजाब और दिल्ली, लोग उनको खूब पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा में बात होती है तो क्या लगता है कि यहाँ पसंद करेंगे? हाँ आगे तो पसंद करेंगे, करेंगे। हाँ। सतीश यादव में क्या आपको लगता है कि उनको संभावना देख रहे हैं उनमें? वो पहले कई बार लड़े हुए हैं, इलेक्शन चुनाव लड़े हुए हैं, ये भी हो सकते हैं विधायक, हो सकते हैं। चलिए प्रमुख मुद्दे क्या हैं यहाँ के इस विधानसभा के? प्रमुख मुद्दे तो जी विकास ही है, जनता का काम होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस से क्या नाराजगी? नाराजगी तो कुछ नहीं है, दोनों पार्टी ठीक है। ठीक है, आम आदमी भी ठीक है, सब ठीक है, फिर काम कौन करेगा? जो आएगा मौका किसको मिलना चाहिए? जो आएगा उसको ही मौका, मौका आप किसको देना चाहते हैं? हम तो मौका जो उसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए। बदलाव, बदलाव आम आदमी, हाँ कोई भी हो, वही कहना चाह रहे हैं? हाँ कोई भी हो। मुफ्त बिजली की बात करते हैं, मतलब ये झाड़ू वाला तो ये तो नहीं होना चाहिए, मुफ्त वाला काम नहीं होना चाहिए। झाड़ू चल सकता है? झाड़ू मतलब मुफ्त नहीं होना चाहिए, झाड़ू चल, हो, झाड़ू चल सकता है। चलिए आप क्या कहेंगे दादा? त्रिकोणी मुकाबला में यहाँ कांग्रेस ही निकलती है, कांग्रेस निकल रही है। दादा आम आदमी की कह रहे हैं? आम आदमी का कैंडिडेट अच्छी खासी वोट ले चुका है और उसकी इस टकराव को वोट के महमूद को देख के ही इसको आम आदमी ने टिकट दी है। बाकी यहाँ जोर कांग्रेस का रहेगा, हरियाणा की हवा के हिसाब किताब से रेवाड़ी की सीट पहले भी कांग्रेस ने निकाली है, अब भी कांग्रेस ही निकालेगी। भाजपा को कहाँ देखते हैं?
भाजपा का एक कैंडिडेट दो योजना होगी। भाजपा हमेशा बाहरी क्षेत्र का कैंडिडेट उतार देती मैदान में, जो कि यहाँ की जनता, यहाँ के भाजपा के उम्मीद जो वर्कर है वे नाराज हैं। अगर भाजपा बाहरी क्षेत्र का कैंडिडेट लेकर आ गई, ऐसे में कांग्रेस और आप कह रहे हैं तीन त्रिकोणी मुकाबला है, ऐसे में तो कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ते तो आम आदमी पार्टी आगे आ सकती है। आ सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती, जो कि वो फाइट भी कर जाए पूरी, उतनी ज़्यादा नहीं आ सकती। ये वोट आम आदमी का आदमी बीजेपी की ही। प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले? शिक्षा, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, इनका बुरा ही हाल है। हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री में पानी भरा हुआ है? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री हाईकमान निश्चित करेगी, बाकी फिर भी किस किसका होना चाहिए? कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस का। चलिए, और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आम आदमी दादा ने कहा कांग्रेस बन रही है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस बन रही है। क्यों देखते हैं कांग्रेस? क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो रही है, इसे कांग्रेस बेरोजगारी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का शासनकाल में बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां मिली और कांग्रेस के शासनकाल में बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां नहीं मिलती थी युवाओं को, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर चलते हैं। दावे हैं लोगों के, क्योंकि कई लोगों से हमारी चर्चाएं हुई है। नहीं नहीं, गलत बात। कांग्रेस के शासनकाल में अच्छा मिला रोजगार? हाँ, अच्छा मिला। और क्या देखते हैं, कौन हो सकता है विधायक? चिरंजीव राव। चलिए, आप क्या कहेंगे दादा? अरे भाई, जो लोग काम करे वो अनुपी। तो कौन करेगा काम? भाई अभी जो देख रहे हैं इनको माहौल देखेंगे। अभी जो माहौल देखता निर्णय लेंगे बाद में। फिर भी आपका मन थोड़ा होगा ना, क्योंकि ये हो सकता है भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। तो कौन कौन? भाजपा और कांग्रेस। और ये तीसरी बता रहे हैं ना? तीसरी बहुत परे नहीं है ना, परे से बहुत परे, दो हमें मुख मुकाबला हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभदार सुरेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा क्या कहती है? कांग्रेस जीतेगी। चिरंजीव राव पक्का। क्या लगता है कि चिरंजीव राव में आप संभावनाएं देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि जो भी है, कई मुद्दे जो वो ITMT के कोर्स से वो लीक हो गया था पेपर, उसके बाद ये अग्निवीर बना दिया है जी। और झूठे वादे करते कोई काम नहीं करता है। आप रिटायर्ड फौजी हैं शायद? हाँ, सूबेदार से रिटायर्ड। सूबेदार से। तो ये अग्निवीर योजना जो है प्रधानमंत्री भाजपा के शासनकाल में लागू हुई जी, तो क्या लगता है कि अग्निवीर कितनी कामयाब होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 5 साल के बच्चे को तो राइफल खोलना जोड़ना नहीं आता है, तो गोली कहाँ से चलाएगा? और गोली चला भी रहा है, अगर गोली उसमें रोक पड़ गई तो वो राइफल को कैसे ठीक करेगा? तो आपके मुताबिक ये अग्निवीर योजना जो विफल साबित होगी? बिल्कुल विफल है, क्योंकि नौजवान बर्फ के अंदर, तूफान के अंदर, आंधी के अंदर काम करता है और उसको पेंशन भी नहीं है। वो 6-7 साल में ऐसी तोड़ कर आ जाए, वो लड़ाई भी ठीक ढंग से नहीं लड़ेगा, क्योंकि जब उसको कुछ आता ही नहीं लड़ाई के बारे में तो लड़ाई क्या लड़ेगा? तो क्या होना चाहिए, क्योंकि जवान वो होता है जो देश की रक्षा करता है, देश को समर्पित होता है, उसके बावजूद ऐसी योजना आ जाना और कहीं ना कहीं जवान के सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती नजर आ रही है? बिल्कुल ठेस है। अगर उसी बच्चे को 15 साल की नौकरी करवाते, उसको पेंशन देते, तो अपने परिवार का गुजारा कर सकता था। अब वो 7 साल के बाद अगर उनको यहाँ नौकरी मिल गई तो बेटर है, अदरवाइज वो क्या करेगा? लोफरबाजी करेगा, गुंडागर्दी करेगा और क्या करेगा वो? क्योंकि उसकी उम्र तो काफ़ी हो लेगी, फिर यहाँ के अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो वो क्या करेगा वो जवान? पेंशन उसको मिलेगी नहीं? ऐसी परिस्थितियाँ हैं और चुनाव सर पर हैं, ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन बनेगा? भाजपा का शासनकाल होगा या कांग्रेस का होगा? देखो, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि अब के कांग्रेस का राज आएगा हरियाणा। कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस पर लंबे समय से आरोप लगते आए कि बिना खर्चे पर्ची के कोई रोजगार नहीं मिले युवाओं को, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? रोजगार नहीं मिले तो यहाँ आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर अगर कोई यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकले, बजरंगली यात्रा निकले, तो पत्थर ही पत्थर मिलते हैं, लोगों के सिर फूट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। हमारे गांव का ही एक लड़का सोनू सरपंच जो गौ के रक्षक में था, वो मर गया बेचारा। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक 5 फुट जगह मांगी थी, वो भी नहीं दी। तो भाजपा तो राष्ट्रवाद की बात करती है? नहीं, राष्ट्रवाद की बात करती, ये तो पूरे मीडिया पर है, पूरे देश में है,
जो सोनू सरपंच ने गौरक्षा करते करते अपने पैरों के आहुति दे दी, उसके परिवार के 1.5 करोड़ रुपए लग गए। क्या करें भाजपा ने, ऐसे ही करेगी जैसे फौजियों के साथ कर रही है। आज से पहले भी तो अंग्रेजों के टाइम से 1947 में सेना लगी थी, उससे आज तक पेंशन मिल रही, तो आज मोदी को क्या होगा पेंशन देने में? जितने भी मंत्री हैं एक चुनाव लड़ते हैं उनकी पेंशन बन जाती है, जितनी बार विधायक या सांसद बनते हैं उतनी बार उनको मिलती है पेंशन मिलती है। एक फौजी ने क्या गुनाह कर दिया, वो पहाड़ियों पर चढ़ रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, उसको बेचारे को बर्फ में तूफान में आंधी में अपने बच्चों को छोड़ता है, 6-6 महीने छुट्टी नहीं मिलती है, उसको बेचारे को क्या मिला? अगर एक पेंशन दे दे तो क्या घाटा, जब मंत्रियों को दे रहा है पेंशन तो उनको देने में क्या दिक्कत आ रही है? मंत्री के बेटे भेजो फौज में। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस बार आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको किस स्थिति में देखते हैं आप? ऐसा है साहब, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई ऐसा हिसाब किताब है नहीं जी, और कोई छुटकर सीट आ जाए तो कह नहीं सकते अदरवाइज इतना कोई। हरियाणा में अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले की सुर्खियां है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ और कांग्रेस का गठबंधन की चर्चा जोरों पर थी, ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि कुछ सीटों की संभावनाएं तो बनती है? ऐसा है जी, केजरीवाल कहां से देगा जब सब चीज़ें को ऊपर कहता है कि भाई फ्री है जी, स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है, बस का किराया फ्री है, बिजली का बिल फ्री है, तो पैसे कहां से आएगा? वो देश तो कर्जवान हो गया, जैसे हिमाचल कर्जवान हो गया, जो कि जो काम करते हैं टीचर वगैरह या जो भी, उनकी तनख्वाही नहीं दे रहा है तो फिर वो कहाँ से देगा? और केजरीवाल का हरियाणा में कोई वो नहीं। सतीश यादव यहाँ के दावेदार हैं इस बार, लोग कह रहे हैं कि चेहरे को पसंद किया जा रहा है। अरे भाई एक बात और है ना, हरियाणा बनाना, सतीश के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे यहाँ पर ब्याह है, तो उन्होंने काम अच्छे करे हैं, अब देखो उसकी किस्मत क्या कहती है। कि संभावनाएं दिख रही हैं आप? नहीं, हमारी तरफ से संभावना से क्या होता है? नहीं, फिर भी भले ही आपके रिश्तेदार हैं या वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, क्या जनता उनको पसंद करेगी? नहीं, जनता तो उनको पहले ही पसंद करी जब तो वो प्रधान बना था। दादा नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आप? मेरा नाम कैप्टन रोहतास सिंह। आप फौज से रिटायर? फौज से मैं रिटायर हूँ जी। कौन से, कितने साल फौज में रहे? रिटायर 8 साल फौज में रहा और फौज की अच्छी सेवा की है, ईमानदारी जी, उसका फल मेरे को बहुत अच्छा मिला है। फौज के जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, हमें भी गर्व महसूस होता है कि हम उन शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। तो आपके जज्बे को सलाम सबसे पहले, और मैं बात करना चाहूँगा रेवाड़ी विधानसभा का क्या माहौल देखते हैं आप, आपके नज़र? देखिए, रेवाड़ी विधानसभा में हर बार कांग्रेस विजयी रही है जी। एक टाइम में पिछली योजना में तो टिकट नहीं मिली, 14 में बीजेपी को चांस मिला था रणधीर कापड़ीवास को जी। उसने अपनी तरफ से जितना भी हो सका अच्छा काम किया, उसको 19 में टिकट नहीं मिली, 24 में टिकट नहीं मिली जी। तो बीजेपी का तो यहाँ कैंडिडेट मतलब है नहीं, तो सेकंड कांग्रेस ज्यादातर है, लक्ष्मण है बीजेपी के, बीजेपी का लक्ष्मण है, लेकिन अभी लक्ष्मण तो इस एरिए का नया है, नया चेहरा है, न कोई जानता लक्ष्मण को, ना लक्ष्मण किसी को जानता। अब टिकट इसको कोसड़ी से उठा करके यहाँ रेवाड़ी में दे दी, तो इसको इलेक्शन ही लड़ाना था तो उसी अपने हल्के से जहाँ से वो दो बार विधायक विधानसभा से कहीं से एडजस्ट कर देना था, उसको वहाँ से ठाक के यहाँ फेंका, तो ये तो जबरदस्ती करी, कापड़ीवास का टिकट काटा या किसी दूसरे, मतलब यहाँ की भाजपा के जो कैंडिडेट बनाए गए हैं अधिकृत तौर पर, उससे कहीं ना कहीं लोग नाराज है। तो लगता है कि अब नाराज इसलिए है कि वो बाहर से ला के ठोक दिया, कहाँ ढूंढेंगे, कोसली में जाटसाणा बाहरी व्यक्ति को नापसंद कर रहे हैं कुल मिलाकर। बस तो इस बार इंद्रजीत की है मर्जी, वो बीजेपी को मुट्ठी में रखना चाहो, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, नड्डा को या किसी को भी, ये टिकट दिलाने का इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या लगता है, टिकट दिलानी थी तो वहीं से दिलाते, क्यों इधर से दिलाई इसको?
कुल मिलाकर बाहरी चेहरा नापसंद किया जा रहा है क्षेत्र में। अब ये बताइए कि क्या लगता है कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस बार दम दिखा रही है, कितना लगता है कि उनका जनाधार होगा और कहीं ना कहीं विफल हो पाएंगे या सफल हो पाएंगे? लोग बाग ये, हम तो घूमे नहीं हैं ना, अभी कहीं गए हैं यहाँ के सिवाय, बाहर निकले नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि भाई त्रिकोणों मुकाबला है, त्रिकोणी मुकाबला, यही बात कहीं हम लोग भी जाते हैं तो ये निकल के आता है कि त्रिकोणी मुकाबला हो सकता है, कांग्रेस बीजेपी और इस सतीश का त्रिकोणा है, अब आम आदमी का, तो अब आम आदमी का तो ये अकेला ही है। भाजपा के साथ तो इंद्रजीत या बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, कांग्रेस साथ भी दीपेंद्र हुड्डा, उसका फादर वो भूपेंद्र हुड्डा, सारे हैं, इसके साथ कोई नहीं है आप पास। अब ये आ जाए तो केजरीवाल या कोई आ जाए, एक आध यहाँ प्रोग्राम कर दे तो अलग बात है, यदि इसके साथ कैंडिडेट को देख करके हम वोट दे रहे हैं बस। हम पार्टी, आप आम आदमी पार्टी के साथ? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, मैं सतीश यादव के साथ। सतीश यादव को पसंद कर रहे हैं बस, वो किसी भी पार्टी में, किसी में भी, मैं बताया नहीं, वो इनेलो में थे तब भी हम उसके साथ थे, निर्दलीय था तब भी उसके साथ थे, और अभी वो आप में है तब भी हम उसके साथ हैं, हम उस व्यक्तिगत आदमी के मतलब कैंडिडेट। ऐसी क्या खूबी देखते हैं, ऐसी क्या खूबी देखते हैं सतीश यादव में कि आप उनको पसंद कर रहे हैं और जन प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं, विधायक के रूप में देखना चाहते हैं कि जनता का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, क्या लगता है? देखिए, हम तो उसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, अब वो उसकी किस्मत में है, बने ना बने वो तो वो जाने, ऊपर वाला जाने, लेकिन वो किसी पोस्ट पे ना रहते हुए भी किसी भी काम के लिए चले जाओ, यदि वो होता है तो उसी समय टेलीफोन से कर देता है कल की डेट, परसों की डेट, या मैं बोल दूंगा उसको या चिट्ठी लिख दूंगा, नहीं, उसी समय हाँ ना का जवाब, तत्काल प्रभाव से। मैं खुद एक बार गया उसके पास में, मेरा काम उसने फौरन उसी समय टेलीफोन से कर दिया। मेरे गांव का एक खातियों में मिस्त्री है जी, उसका लड़का सारी डिग्री लिए घूम रहा है जी, लेकिन वो कप्तान के पास भी होके आ गया, बीजेपी यानी सबके पास होके आ गया, वो मेरा थोड़ा क्लोज है, बोला, मैं बोला भाई क्या बात है तेरे, बोला साहब लड़का को कहीं भी एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं बोला उसको अरे तू एक काम और कर, तू सतीश प्रधान के पास चला जा। बोला मेरे को तो उसका मकान भी नहीं पता, मैं बोला मैं सारी चीज़ें बता दी, तू होके आ जा, कर देगा तो ठीक है, नहीं कर देगा तो। वो जैसे तैसे उसके पास पहुंच गया और उसने अपनी सारी समस्या बता दी, उसने वहीं बैठे बैठे टेलीफोन किया कंपनी में जी, और उन्होंने ये जवाब दिया कल सवेरे इसको भेज दो, और आज वो वहाँ एडजस्ट हो गया, लग गया 40,000 से लगा था, आज वो 1,20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है उस टेलीफोन से। योग्यता अपनी थी लेकिन एक सपोर्ट मिला और उससे उसको सर्विस मिली उस कंपनी में, तो यही कारण है, यही कारण है कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय बनाता है सतीश यादव को जनता के बीच, यही कारण है कहीं ना कहीं, कारण है तो तुरंत प्रभाव से काम करेगा, नहीं तो साफ मना कर। जब भाजपा कांग्रेस भी अपने दावे मंसूबे लेकर जनता के बीच जा रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे, शुरू में मैं कप्तान अजय के पास गया था जब तो ये सतीश उतीश ये नहीं थे, मैं उस समय शायद सर्विस में था या पेंशन, इतना ध्यान नहीं है, मैंने एक एक नलका लगवाना था इस फिरने के अंदर में, जब शुरू में एक ही नलका लगा था, चार नलके लगे थे चारों साइड में, मैं कप्तान अजय के पास गया जी। एक एप्लीकेशन लिख के साहब ऐसे, बोला भाई कप्तान साहब बात ऐसी है, चार नलके लग रहे हैं, चारों कोणों पे लगा दिए हैं, उसने उसी समय मेरे उस एप्लीकेशन पे लिख दिया कि भाई तेरा भी मंजूर है और जाके खुद के खर्चे से लगवा ले। मैंने वो तो काम तो मेरा कप्तान ने भी किया है, एक बहुत पहले की बात है, मैं सर्विस में था शायद, उस समय सर्विस में था, सर्विस के दौरान भी काम, हाँ, तो 30 साल तो मेरे को पेंशन आए हुए हो गए जी, 6 योजना तो ये, तो उसके बाद में कप्तान से हमारी थोड़ी सी अनबन किसी बात पे हो गई थी, उससे हमने उसका साथ। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनावी हलचल के दौरान, क्या लोगों की मांगे? लड़के अपना वो
विकास के लिए, जनता का विकास के लिए किसी बच्चे को एडजस्ट कर दे, रोजगार मिले, रोजगार मिले भाई, पानी बिजली जमींदार को सही टाइम पे मिल जाए, खाद मुट्ठी मिल जाए, ये मुद्दे होते हैं आम जनता के। तो ना तो मैंने नौकरी किसी की हटानी है और ना मैंने कोई अपना लगाना है, मेरे सारे बच्चे एडजस्ट हैं, लेकिन जनता के काम है, जनता के सरोकार के लिए काम करें, कुल मिलाकर आपका ये कहना है। क्या नाम है? रामदत्त। क्या लग रहा है इस बार कौन हो सकता है विधायक? विधायक तो देखो पता नहीं, लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे जी। मतलब लक्ष्मण को जिता रहे हैं? हाँ। जीत हार का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम वोट देंगे। क्या संभावना देखते हैं कि लक्ष्मण यादव आप पसंद कर रहे हैं? वो ऐसा है, पार्टी के हिसाब से दे रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से। जैसे बीजेपी ने पार्टी में, लोग कहते हैं कि भाजपा के शासनकाल 10 साल का हो गया है हरियाणा में, उसके बाद विकास नहीं हुआ, रोजगार की तलाश में युवा भटक रहे हैं। एक चीज है ना, ये तो अपोजिशन वाले तो कहेंगे, तो अपोजिशन वाले चलते रहेंगे तो कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि जमींदार के लिए अनाज टाइम पे बिक रहा है, बढ़िया अच्छे भाव मिल रहे हैं, टाइम पे बिजली अच्छे भाव मिलते हैं, तो फिर किसानों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ एमएसपी नहीं, यहाँ का नहीं जमींदार, वो पंजाब के थे। अच्छा, मतलब यहाँ अच्छा है सब कुछ। किसानों की, मोदी कहते हैं आय दोगुनी हो गई क्या? ऐसा है 2000 रुपए दे रहे हैं सर, वो किसानों को फायदा ही है, साल के 6000 रुपए आ जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस के चिराग चिरंजीव हैं, आम आदमी से भी इस बार पूरे हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर चुनाव में मैदान में है। क्या लगता है कि सतीश यादव कितना दम भर पाएंगे? सतीश यादव का मुकाबला नहीं है, ये दोनों का ही मुकाबला है, राव चिरंजीव और लक्ष्मण का ही रहेगा। चलिए, और आप क्या कहेंगे दादा? मैं क्या कहूँ बताओ, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल सही है जी, सही है माहौल, सही है। कौन हो सकता है विधायक? विधायक का तो कोई मालूम नहीं, आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं है। विकास के मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार के? विकास के मुद्दे पार्टी जाने, वो क्या करे, गांव में क्या जरूरत है विकास के लिए? गांव में तो पानी की जरूरत है ज्यादा, समस्या है, और क्या है? और कोई समस्या नहीं है। स्कूल भी सही है, सही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अस्पताल हो जाए तो एक बड़ी समस्या ये भी है, जल की समस्या है। आप दादा क्या कहेंगे? दी, हमारे एरिया में कोई समस्या नहीं किसी चीज़ की, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फिर जनप्रतिनिधि कैसे विकास क्षेत्र करेगा? के लिए बीज खाद सब चीज टाइम पे मिल रहा है, सब मिल रही है, पूरी एमएसपी मिल रही है, हमारी भाजपा सरकार हरियाणा में मंत्री भी आप भाजपा के बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं की पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं बन रही है। नहीं देखो, सरकार तो बनेगी, जरूर बनेगी। क्या नाम है दादा? रामदत्त। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा में कौन हो सकता है विधायक? देखो ये कांग्रेस और बीजेपी या इनका ही जो है, इनका ही होगा, मतलब टक्कर चल रही है दोनों की, टक्कर इनकी है, आम आदमी और अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य दल हैं, वोट उनकी भी है, उनकी भी है वोट सबकी है, वोट सबकी है। लेकिन ज्यादातर मामलों इनका ही है, ज्यादातर भाजपा कांग्रेस। आप ये बताइए, इस गांव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है कि कौन से विकास अब तक नहीं हुए? विकास तो नहीं, अभी तो यहाँ तो अपन से पार्टी का था विधायक पहले, तो अब इस पार्टी का कोई आएगा, जब कोई होगा तब कोई बात बनेगी, तब कोई बात। दादा आप क्या कहेंगे? विकास का मुद्दा तो ये है, विकास तो भाई हर सरकार करवाती है, लेकिन कोई ज्यादा करवाते कोई कम करवाते, विकास का ऐसा मुद्दा नहीं है हमारा। क्या है फिर मुद्दा? क्या तो मुद्दा तो कुछ नहीं भाई, ये है भाई तो गांव में तो भाई ये इधर है तो हम उधर है, आधी आधी पार्टी इधर इधर, आधे आधे बटे हुए, आधे आधे। तो ये आम आदमी पार्टी जो है झाड़ू वाले की पार्टी, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, ये यहाँ उसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है आम आदमी का, प्रभाव नहीं है गाँव में। तो इस बार मुद्दा कौन सा रहने वाला है? तो मुद्दा तो ये है भाई, सरकार भी वो कुछ काम वो करवा दे, कुछ ये करवा दे, काम तो बराबर करवाते हैं, बराबर है, किसी बराबर को कमजोर नहीं मानते किसी ना, को ना, 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 बराबर है। यहाँ बीजेपी भी उतनी है, कांग्रेस भी उतनी है, बाकी ये है निर्दलीय भी है, लेकिन निर्दलीयों की भाई कम मात्रा में है, इनकी बराबर ज्यादा वोट इनकी है दोनों। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में कौन सरताज होगा, किसके हाथ में होगी सत्ता की चाबी? बराबर वो है, टक्कर है, मतलब पूर्ण बहुमत किसी का नहीं है। दादा आप क्या कहेंगे?
मैं जो पंडित जी ने बता दी वही बराबर ही है। बराबर है जी। राम राम भाई साहब। क्या लग रहा है यहाँ रेवाड़ी विधानसभा का विधायक कौन हो सकता है? नहीं बता सकते, बराबर चलेंगे। राव, चिरंजीव, लक्ष्मण, सतीश यादव। सतीश यादव मेरे हिसाब से हमारे गांव से तीसरे नंबर पर तो है। सतीश यादव में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? बस दिल्ली की सरकार के हिसाब से हम थोड़े जो उम्मीद रख रहे हैं, कुछ करेगा, अच्छा करेगा। अच्छा करेगा सतीश यादव। मुफ्त बिजली की बात की जा रही है, वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री के हिसाब से होगी ना। जो मुख्यमंत्री बनेगा, सतीश यादव विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे ये बताइए। जैसे यहाँ का विधायक सतीश यादव बन गया तो वो तो बेचारे विधायक ही रहेगा, ऊपर सरकार अगर उसकी बने तो कुछ कर पाएगा। सतीश यादव अगर सरकार बनती है तो कुछ कर पाएगा, अगर नहीं हुई बनी और सिर्फ विधायक बने तो वो अपने लेवल का जो उसका है वो करेगा, अपने स्तर का कामकाज करेंगे। मतलब कुल मिलाकर सतीश यादव में भी संभावनाएं देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रमुख रहा हुआ है तो हमें उससे उम्मीद भी है, अच्छी उम्मीद है। वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता, वैसे सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहेंगे, वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता है, आदमी के दुख सुख में भी काम आता है। सतीश यादव तो संभावनाएं ज्यादा दिखी जा रही है। आप 1/3 नंबर, तीसरा नंबर बराबर ही, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला। तो क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार और उम्मीदवार कौन है? तो प्रबल दावेदार तो 50 साल को राज हो गए, 2-3 बार कैप्टन बाप बन रहे, 6 बार कप्तान बन रहे, 12 बार बन रहे, 50 साल का शासन में कुछ ना हुए तो आप बताओ नए आदमी को विकास कर सके, ये तो देख लिया 50 साल हो। मतलब भाजपा का शासन देख लिया, कांग्रेस का देख लिया, अब बदलाव चाहते हैं, विकल्प देखते हैं। हाँ बदलाव तो सभी चाहते हैं कोई, तो कौन होगा विकल्प? विकल्प जो वो तो बता दिया आपसे, त्रिकोणी वो जो होगा देख रहे हैं, सतीश यादव का देख रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ सतीश यादव भी है, त्रिकोणी मुकाबला बता, कप्तान भी है, बीजेपी है। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, भाई युवा अभी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, युवा हैं आप और रेवाड़ी विधानसभा क्या माहौल देखते हैं? अब तक तो सर लगभग आम आदमी पार्टी का अपने गांव से है, और क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि वहाँ पर ना सतीश यादव ने बहुत से काम किए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है इसलिए कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ। भाजपा और कांग्रेस से क्यों आपको लगता है कि अब इनसे उब गए हैं, एंटी इनकमेंसी दिखती है, या ये विकास नहीं कर पाए तो अब दूसरा कोई विकल्प हो? मैं पिछले 10 साल से भाजपा सरकार देख रहा हूँ, यहाँ पर सिवाय बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हमारा हरियाणा राज्य था वो पहले टॉप में था जी, अब बेरोजगारी के अंदर टॉप के अंदर, बेरोजगारी की टॉप में। कुछ लोगों से हमारी चर्चा होती है तो कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में बिना खर्चे पर्ची के नौकरियां नहीं मिलती थी, भाजपा के शासनकाल में मिलने लगी है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप मानते हैं फिर? अच्छा, विकास के तौर पर क्या होना चाहिए इस क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र? रोजगार की बात और शिक्षा। शिक्षा और रोजगार होंगे तो वो सरकार या वो विधायक बेहतर होगा। यहाँ हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? हरियाणा लहर तो सर फिलहाल तो कांग्रेस की है। कांग्रेस की? हाँ। दादा आप क्या कहेंगे? भाई हम बेरोन, हमने लिखा ना बाड़े ना, आते पूछो इनसे तो पूछ लिया हमने। आप क्या, बस चुनावी माहौल कौन बन रहा है विधायक? हमने ना बेरो, जैसे कोई कहेगा वैसे ही। नाम क्या आपका? मेरा नाम कैलाश। कैलाश जी बताइए कि माहौल क्या है रेवाड़ी विधानसभा का, गाँव में क्या लग रहा है, कौन विधायक बनेगा इस बार? ये भी कोई निचोड़ को नहीं, ये अभी निचोड़ नहीं है, त्रिकोणी मुकाबला देख रहे हैं। विकास को यार हो सकता है, वोट उसी को करेंगे जो विकास करेगा, बस वही। हाँ सारा गांव एक ही तरफ रहेगा, पूरा गांव पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। मतलब हम और हमारी टीम हरियाणा चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।